शॉर्ट हाई टर्म लॉन्ग टर्म के बता दो। डिपार्टमेंट सोशल साइंसेस जल्दी से जल्दी मंच को रिपोर्ट करें। मैं अमनजोत कौर ह्यूमन जेनेटिक्स डिपार्टमेंट तो एंड 400 मीटर रेस में जीती एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी। इस स्पोर्ट्स मीट के मैं बहुत ही वधिया अनुभव होया। मैं पहली बार पार्टीसिपेट किया तो साढ़े टीचर्स का यूनिवर्सिटी का बहुत ही वधिया उपराला है कि स्टूडेंट्स नू पढ़ाई तो अलावा होर भी बाकी एक्सट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के जोड़ते हैं तो बच्चों का टैलेंट उभर के बाहर आता। तो मैं बाकी बच्चों यही एडवाइस दूंगा कि वध तो वध पार्टीसिपेट करन, पोजिशन मैटर नहीं करती, बंदे नू आप बहुत वधिया फील हुंदा है। बहुत वधिया एक्सपीरियंस है, बहुत वधिया उपराला करवाया जा रहा है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के वालों। बड़ा वधिया इवेंट है, बच्चों के अंदरली स्ट्रेंथ का पता चलता है भी किस दे अंदर किन्ने स्टैमिना है, हर एक गेम्स पार्टीसिपेट करन दा बड़ा वधिया मौका मिलता है। सो बहुत वधिया उपराला कराया जा रहा है, मुंडे कुड़ियां सारे इवेंट करवाए जाते हैं, बड़े वधिया स्पोर्ट्स एसोसीएशन मिलती है बच्चों, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा जी। अज तो लाइक हूँ जिदा स्पोर्ट्स मीट एक यूनी के बच्चे लिए बड़ी वही ऑपरचुनिटी आ। स्कूल के बच्चे तो ऑपरचुनिटी मिलती है बट अपने टैलेंट को होर अगे लैके जाने इन्होंने सानू ऑपरचुनिटी दिती है, यहाँ पूरा का पूरा बेनीफिट लेना चाहिए है। हूँ जिदा कि असं साइंसिस दे हाँ, साडे लिए एक बहुत वधिया हैगा कि आप अपने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट हमेशा जगाई रख सकते हैं। ये जो दो रोजा गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी का अंतर विभागी अथलैटिक प्रतियोगिता का कॉम्पीटिशन करवाया, ये मानयोग वाइस चांसलर जी के दिशा निर्देशों से उन्होंने रहनुमाई दे विच डीन अकैडमिक फेयर डॉक्टर सरबजोत सिंह जी की लीडरशिप के हेठ करवाया गया। इस मुकाबले दे विच यूनिवर्सिटी के लगभग हर विभाग के विद्यार्थियों ने पार्टीसपेट किया। इस दो रोजा मुकाबले दे विच यूनिवर्सिटी लगभग 700 विद्यार्थियों ने लड़के ते लड़कियां ने भाग लिया। इहदे विच लड़कियां दे विच 16 इवेंट्स ते लड़कियां दे खेत्र दे विच 14 इवेंट्स जिहड़े आ करवाए गए। ओवरऑल जिहदे विच वख-वख रेसां जंप ते थ्रोज जिहड़ियां आ ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स करवाए गए, उस तों इलावा कुछ जिहड़े हैगे आ रिक्रिएशनल इवेंट्स जिहड़े आ उह करवाए गए। सो जिहदे विच विद्यार्थियों ने बहुत ज़्यादा उत्साह दे नाल भाग लिया। सो इस मुकाबले दे विच वख-वख विभागां दे टीचर साहिबान जिहड़े आ वो भी देखण पहुँचे, अपने विद्यार्थियों नूं उत्साहित करन दे वास्ते पहुँचे। सो बहुत सारे जिहड़े दर्शक सी वह भी इन्हां मुकाबलियां दा उन्होंने आनंद माणिया। सो इस मुकाबलियां दे विच जिहड़ी ऑफिशिएटिंग दी ड्यूटी कीती है जिथे असीं प्रोफेशनली कोच जिहड़े सीगे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट तों जां एडजाइनिंग कॉलेजेस तों असीं हायर कीते सी, उहदे नाल दी नाल फिजिकल एजुकेशन विभाग दे एमपीएड दे विद्यार्थियों ने बड़ी निरपक्ष अनबायस जो ऑफिशिएटिंग कीती। सो दो रोज़ा मुकाबले दे विच किसी तरह का कोई डिस्प्यूट जिहड़ा आ उहो नहीं होया। सो इस मुकाबले दे विच जिहड़ी ओवरऑल चैंपियनशिप लड़कियां दे खेत्र दे विच भी इलैक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने लई है ते लड़कियां दे खेत्र दे विच भी इलैक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट जिहड़ा हैगा आ उह ओवरऑल चैंपियन बनिया। और जो तो मैं पिछले साल के मुकाबलों के नाल कंपेयर करदा तो सचमुच मैनू भी लग्या कि विद्यार्थियों का एक हड़ जिहा आया होया सी, जिथे अगे इन्हां मुकाबलों के विच वख-वख ईवेंट्स के विच एक जां दो जां तीन हीट्स ही हुंदियां सी, इस वारी चार इत्थों तक कि पांच हीट्स भी होईयां, इन्ना ज़्यादा विद्यार्थियों के विच उत्साह सीगा। बेशक गर्मी बहुत ज़्यादा सी, नैट के उत्ते मीह
ਮੀਂਹ ਵੀ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਡਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਹਨੇਰੀ ਤੂਫਾਨ ਵੀ ਚੱਲੇ, ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਦਿਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਾਰਾ ਮੌਸਮ ਠੀਕ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੀਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।